मंडला में बढ़ता डायरिया संक्रमण और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या देखते हुए जिला कलेक्टर ने मंगलवार को एक लापरवाह पीएचई के एसडीओ और जिले के सीओ का वेतन रोकने की कार्रवाई की। वहीं अब जिले में होने वाले सामूहिक भोज के लिए अनुमति लेने का आदेश भी जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सामूहिक भोज के लिए एसडीएम स्तर की से अनुमति लेना आवश्यक है। कलेक्टर ने यह भी कहा, जहां भी इस तरह के आयोजन होंगे वहां खाद्य विभाग की टीम जांच करे। कलेक्टर ने इस काम के लिए फूड इंस्पेक्टर, ग्राम सचिवों, रोजगार सहायकों और कोटवार को निर्देशित किया है कि वो निगरानी रखें। आदेश में सिर्फ सामूहिक भोज के आयोजन ही नहीं बल्कि भोजनालय, ढाबों आदि में भी पानी और खाद्य सामग्री की जाँच होगी। जी, कल सभी को एक ये सुझाव दिया गया है और आपके माध्यम से मेरी सभी निजी लोगों से भी ये अपील है कि आने वाले समय पे हम जब भी देखते हैं कि कोई मास गैदरिंग हो रही है या कहीं पे भी कोई भोज या किसी भी प्रकार का रखा गया है, तो आयोजक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो खाने की गुणवत्ता को देकर सचेत रहें। हमने अभी पिछले समय पे देखा है कि एक जगह पे सामूहिक भोज में, क्योंकि खाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा खाना शायद खराब था, मछली खराब थी, मांस खराब था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए। तो हम सभी को ये सुझाव भी देंगे, साथ साथ निर्देशित भी करेंगे कि जहाँ पे भी ऐसा कोई आयोजन हो रहा है, आयोजक खाने की गुणवत्ता जरूर सुनिश्चित करे। आदेश बहुत बढ़िया है, शासन के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। शासन को समय समय पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, सामूहिक भोज अकेले नहीं, जितने भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं मंडला शहर में या जो ढाबे हैं जहाँ पे लोगों का जाना बहुत ज़्यादा आना जाना देखा गया है, उन सभी जगहों की फूड डिपार्टमेंट द्वारा जांच की जानी चाहिए। उनके स्तर को मानक दृष्टि से एक बार चेक करना चाहिए और उनको समझाइश दी जाए। यदि उनके यहाँ कोई ऊपर नीचे कुछ पाया जाता है, खाद्य पदार्थ या जल स्वच्छ नहीं पाया जाता, तो उनको इस विषय में समझाइश या जो शासन की एक कार्रवाई है वो की जाए।